हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द के ऊपर जिसके हम एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ठीक है बीस पच्चीस एमसीक्यू है उस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल है कि मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले विलोम मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द बताना होता है ठीक है तो मृदुल का उल्टा अर्थ वाला क्या हो जाएगा तो मृदुल का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा मृदुल मतलब होता है जो मुलायम हो ठीक है तो रुक्ष ठीक है जो रुखरा हो ठीक है दूसरा है ऋणात्मक शब्द का विलोम क्या होता है तो ऋणात्मक शब्द का विलोम धनात्मक होता है उसके बाद क्या है कि कलुष शब्द का विलोम क्या होगा ठीक है तो कलुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा निष्कलुष ठीक है उसके बाद चौथा क्या है कि चिरंजन शब्द का विलोम क्या है तो चिरंजन शब्द का क्या विलोम हो जाएगा नश्वर ठीक है ये क्या देखिए चिरंजन का भी नश्वर होता है शाश्वत का भी नश्वर होता है ठीक है शाश्वत का भी विलोम क्या होगा कि नश्वर होगा लौकिक किसका विलोम है तो अलौकिक अलौकिक जो है वह लौकिक का विलोम हो जाएगा लौकिक का विलोम अलौकिक ठीक है उसके बाद क्या है कि सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा गृहस्थ ठीक है तो गृहस्थ किसको सन्यासी किसको कहते हैं जो सारे अपने जो कर्म है ले ले उनसे सन्यास ले लेता है अलग उनसे मोह माया उनका भंग हो जाता है उनको सन्यासी कहते हैं जबकि गृहस्थ किसको कहेंगे जो जो गृहस्थ जीवन के जी रहा है जो, जो घर में रह के जीवन जी रहा है ठीक है तो राजा का क्या हो जाएगा राजा का रंग हो जाएगा योगी का भोगी हो जाएगा ये याद रखिएगा ठीक है बाकी स्व का विलोम शब्द क्या है तो स्व का पर किए हो जाएगा ठीक है स्वकीय मतलब क्या होता है कि जो खुद के लिए जो किया जाए ठीक है और जो खुद से खुद से किया जाए ठीक है वो पर किए क्या होता है जो दूसरे से किया जाए एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि जिसपे केवल एक का अधिकार हो ठीक है तो इसका क्या विलोम हो जाएगा कि सर्वाधिकार जिसपे सब का अधिकार हो उसके बाद mm -hmm. है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा तो श्री गणेश में क्या करते हैं कि श्री गणेश में हम उस, किसी चीज की शुरुआत करते हैं और इसका क्या हो जाए इतिश्री। इतिश्री मतलब जब लास्ट होता है तो इत, लास्ट जो किसी चीज का जब अंतिम समय आता है तो उसको इतिश्री कहते हैं ठीक है थीके? और और उसके बाद नेक्स्ट है आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो आकर्षण का क्या हो जाएगा विकर्षण आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण अल्पसंख्यक ठीक है अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है कि जिसकी संख्या कम में हो ठीक है अल्प मतलब कम असंख्यक मतलब की संख्या में ठीक है तो उसको क्या कहेंगे अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा बहुसंख्यक ठीक है उपमान का विलोम क्या हो जाएगा उपमान का क्या हो जाएगा उपमेय ठीक है यहाँ उपमान से समझिए क्या है कि उपमान मतलब की हो गया कि जिससे उपमा दी जाए ठीक है उसको उपमान कहते हैं उपमेय जिससे तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं उपमान का हो जाएगा उपमेय उसके बाद है मंद शब्द का विलोम क्या है तो मंद का क्या हो जाएगा मंद का हो जाएगा द्रुत ठीक है धीरे धीरे जो होता है उसको मंद करते हैं ठीक है और उसका क्या हो जाएगा द्रुत उसके बाद सूक्ष्म का क्या हो जाएगा सूक्ष्म का क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल ठीक है सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा ठीक है स्थूल का मतलब बड़ा और अदृश्य क्या क्या हो जाएगा दृश्य निश्चित का क्या हो जाएगा अनिश्चित उसके बाद बात करें अधुनातन अदु, का ठीक है इसका हो जाएगा पुरातन और पुरातन किसका एक नूतन का भी होता है पुरातन ठीक है जो नया है उसको अधुनातन करते हैं जो पुराना होगा उसको क्या कहते हैं पुरातन कहते हैं उसके प्राचीन है ठीक है तो प्राचीन का नवीन हो जाएगा नवीन प्राचीन ठीक है उसके बाद आगे बात करते करें तो सृष्टि का क्या हो जाएगा तो सृष्टि का हो जाएगा विनाश ठीक या या है या प्रलय प्रलय तो प्रलय करेंगे ठीक है उसके बाद अति का विलोम क्या हो जाएगा अति का विलोम हो जाएगा अल्प ठीक है जब किसी अभी तुरंत हमने जस्ट पहले हमारी बात हुई थी उपसर के ऊपर उसमें हमने बताया था कि अति मतलब ज्यादा ठीक है और अल्प मतलब अति मतलब ज्यादा होगा तो कम मतलब क्या होगा अल्प होगा ठीक है न्यून का क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा कम का भी अधिक हो जाएगा नगण्य उसके बाद है निम्नलिखित जोड़ा विपरीत आर्थक नहीं उसे चुनिए तो ठीक है तो आय व्यय आय का व्यय होता है सरल का क्या होता है सरल का कठिन और फिर क्या है यह भी सही है उसके बाद गुरु का क्या होता है गुरु मतलब बड़ा ठीक है लघु मतलब छोटा ये भी सही है उसके बाद धर्म ठीक है धर्म का क्या होता है अधर्म धर्म का क्या होगा अधर्म तो ये क्या है ये गलत है तो ये हमारे सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो ब्रह्मा क्या है कि ब्रह्मा एक ईश्वर का है तो उनका जीव हो जाएगा जीव ब्रह्म ठीक है आगे बात करें तो बहिरंग का क्या हो जाएगा तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग ओके उसके बाद आगत का अनागत का क्या हो जाएगा आगत ठीक है यह कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जिसको हमने लगभग छः मिनट में इसको कवर किया है अब बाकी ये हम आग, इसके आगे हम एक और लाएंगे ये तो हमारा एमसीक्यू सीरीज था इसमें एक विलोम शब्द के ऊपर पी वाई क्यू वाला आएगा जो स्पेशल पी वाई क्यू के लिए होगा सी यू टी के लिए ठीक है बाकी आप ये हमारा क्रिस्टल ऑल का एक ईमेल आईडी है कोई भी query तो वहाँ मेल कर सकते हैं ये नंबर है इस पर आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पर ठीक है और ये क्रिस्टल ऑल इंडियन का एक चैनल है टेलीग्राम पे आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब करिए ठीक है चैनल को ज्वाइन करिए वहाँ पे आपको एक डेली बेसिस पे क्या मिल क्विज मिलता है ठीक है तो आप वहाँ से क्विज करके आप अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सी के स्कोर में इम्प्रमेंट ला सकते हैं एक टेस्ट की तरह आप वहाँ पर दे सकते हैं बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आप क्या करें कि इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यह सभी एग्जामिनेशन में लगभग हेल्पफुल है जहां जहां हिंदी पूछा जाता है वहां बिलोम सब पूछा जाता है तो आप वहां भी उसको हेल्प ले सकते हैं स्पेशली ये सी के लिए नहीं बनाया गया है